तो नमस्कार दोस्तों। भाई आज पंजाब के अंदर भी काफी बड़े बड़े कबड्डी कप हैं, चार पांच जगह इनाम है भाई। कहीं पे ट्रैक्टर है तो कहीं पे बुलेट है। हरियाणा के अंदर भी भाई बड़ी टूर्नामेंट है, सिल्लू बलारा को लेके बड़ी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलो भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली जो टूर्नामेंट है वो है अठोला जालंधर। यहाँ पर इन्वाइटेड 8 क्लब खेलेंगे। कौन से वो क्लब होंगे वो भी बता देते हैं। पहला जो क्लब होगा डीएवी जालंधर, एनआरआई नकोदर, सुरखपुर कबड्डी क्लब, एसजीपीसी, और भी भाई 4 क्लब यहाँ पर खेलेंगे। खिलाड़ियों की बात कर लिया तो भाई जैसे साजी सकरपर, फरियाद अली, यादा सुरखपुरिया, जोधा सुरखपुरिया, पाला जलालपुरिया, जोता में मदवाल, मक्खन सिंह मक्खी, और भाई सनी काले संघिया जैसे स्टार आप सभी को इस टूर्नामेंट के अंदर खेलते नजर आएंगे। और इस टूर्नामेंट का पहला जो इनाम है 1.5 लाख, दूसरा जो इनाम है 1 लाख, बेस्ट रेडर बेस्ट कैचर को 4,3600 दिए जाएंगे आज यहाँ पर। और इन मैचों का लाइव चलेगा कबड्डी365.com पे। अगली जो टूर्नामेंट है वो है कलेर कला गुरदासपुर के अंदर है। ये भी भाई बड़ा कबड्डी कप है। यहाँ पर भी भाई 6 इन्वाइटेड क्लब खेलेंगे। पहला जो क्लब होगा बाबा बंदा सिंह बहादुर कबड्डी क्लब, दूसरा जो क्लब है वो कबड्डी क्लब करियाला, तीसरा क्लब बाबा नामदेव कबड्डी क्लब गुमान है, चौथा जो क्लब है वही मालवा कबड्डी क्लब है, पांचवा क्लब कबड्डी क्लब कल्याण सुखा, छठा जो क्लब होगा गुरदासपुर लायंस। ये 6 इन्वाइटेड क्लब यहाँ पर खेलेंगे। इन क्लबों के लिए पहला जो इनाम है भाई 1 लाख, दूसरा जो इनाम है 75,000, बेस्ट रेडर बेस्ट कैचर होगा यहाँ पर बुलेट बाइक दी जाएंगी आज। और इन मैचों का लाइव चलेगा कबड्डी जंक्शन टीवी पे। बहुत ही अच्छे अच्छे तगड़े टूर्नामेंट हैं पंजाब में आज और हरियाणा के अंदर भी। तो अगली जो टूर्नामेंट है वो है एमएलके की लीग के मैच होंगे आज, जो होंगे डूठी के 8 इनवाइटेड क्लब भाई जो एमएलके के अंदर खेलते हैं वे क्लब खेलेंगे, जिसका पहला नाम होगा 2.5 लाख, दूसरा जो इनाम होगा 2 लाख, बेस्ट रेडर बेस्ट कैचर को आज 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे एमएलके के अंदर भाई। शेरा होगा सिल्लू बलारा को लेके भाई ये अपडेट है कि सिल्लू बलारा कोई बोल रहा है एमएलके के अंदर खेलेगा, लेकिन भाई सिल्लू बलारा आज सिरसा खेड़ी जींद के अंदर मैच है, जहां पर भाई आज नंदगढ़ की टीम का हिस्सा होगा। कई भाई ये अपडेट दे रहे हैं, लेकिन भाई सिल्लू बलारा आज पंजाब के अंदर खेल सकता है एमएलके में, तो ये भी बोल रहे हैं। कहाँ खेलेगा वो देख लियो, अभी अपडेट पक्की नहीं आई है भाई। कदे भाई कोई सा भाई बाद में कहो कि अपडेट झूठी है, अपडेट पक्की नहीं है। अगली जो टूर्नामेंट है वो है रसूलपुर कला, यहाँ पर भी भाई 16 इनवाइटेड टीमें खेलेंगी, जिसका पहला नाम होगा 1 लाख, दूसरा जो इनाम होगा 75,000, बेस्ट रेडर बेस्ट कैचर को सरप्राइज है। और इन मैचों का लाइव चलेगा कबड्डी365.com पे। अगली जो टूर्नामेंट है वो निकुवाड़ आनंदपुर साहिब ओपन के मैच होंगे, जिसका पहला नाम होगा 1 लाख, दूसरा जो इनाम होगा 75,000, बेस्ट रेडर बेस्ट कैचर को सरप्राइज है। और इन मैचों का लाइव चलेगा प्योर पंजाबी टीवी पे। अगली जो टूर्नामेंट है भाई यहाँ पर भी भाई बढ़िया टूर्नामेंट है, सिको चक इनवाइटेड 6 क्लब खेलेंगे, जिसका पहला नाम होगा 1 लाख, दूसरा जो इनाम होगा 75,000, बेस्ट रेडर बेस्ट कैचर को भाई 51,000 रुपए दिए जाएंगे यहाँ पर। और इनका लाइव चलेगा कबड्डी जंक्शन पे। अगली जो टूर्नामेंट है वो सिरसा खेड़ी हरियाणा के अंदर है, जिला जींद भाई, ओपन के मैच चल रहे हैं कल भी है भाई, बची हुई 16 टीमें खेलेंगी आज, जिसका पहला नाम है 1 लाख, दूसरा जो है नाम 71,000, तीसरा और चौथा नाम 41,000, 5 से 8 तक आने वाली टीमों को भाई 11,000, 9 से 16 तक आने वाली टीमों को 5,100 रुपये, और बेस्ट राइडर बेस्ट कैचर को भाई 31,000 रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज की याद थी अपडेट। और भाई डेली वीडियो के लास्ट में भाई एक सवाल बुझा करेंगे, सारे भाई कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दियो। तो भाई आज का सवाल है, हरियाणा में सबसे पहली बाइक किस खिलाड़ी ने जीती थी, बतौर राइडर या फिर बतौर कैचर, किस खिलाड़ी ने सबसे पहली बाइक हरियाणा में जीती थी, कॉमेंट बॉक्स में सारे भाई बताओ इस सवाल का जवाब। तो भाई डेली अपडेट के लिए हरियाणा और पंजाब के अंदर कहाँ कहाँ मैच है, कितना होगा नाम, सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए भाई अपने चैनल ने सारे भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाइयो।
ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन भैया ने समय पर अपने चैनल पर मिलती रहे। तो जय जवान, जय किसान, जय माँ खेल।